हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय मुख्य संगठन ने कहा कि देश की मजबूती के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है और कांग्रेस की मजबूती के लिए सेवा दल की मजबूती जरूरी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सेवा दल में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। देसाई गुरुवार दोपहर को मुंडारा के चार भुजा मंदिर प्रांगण के नागर समाज धर्मशाला के सभी भवन में सेवा दल की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेवा दल तिरंगा और राष्ट्रीय अधिवेशन के अलावा कहीं भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सेवा दल कार्यकर्ता वर्दी में किसी भी नेता के चरण नहीं छुएगा। उन्होंने कहा कि सेवा दल यंग ब्रिगेड का भी गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा, तिरंगा के नारे के साथ गांव गांव ठानी जाएंगे और लोगों में चेतना पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने देश की संवैधानिक संस्थाओं को हाशिए पर पहुँचा दिया है। उन्होंने कहा कि देश की हालत जिस कदर बिगड़ी है उसके चलते सेवा दल हम लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चारों से नारे के साथ जागरूकता अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि सेवा दल मेरा देश मेरा गौरव कार्यक्रम भी चलाएगा। कार्यशाला में जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी व ग्राम इकाई के पदाधिकारी मौजूद थे। देसाई का यहाँ पहुँचने पर जिला मुख्य संगठन मोहन हटेला के नेतृत्व में सेवा दल कार्यकर्ताओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद बद्रीराम झाकड़ ने कहा कि देसाई के आगमन से पशुपालक रेबारी समाज का झुकाव कांग्रेस के प्रति दिखेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की कुनीतियों के चलते किसानों व पशुपालकों की हालत दयनीय बन गई है। पीसीसी सदस्य एवं पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे रतन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में अग्रिम संगठनों में सेवा दल ही सर्वाधिक सक्रिय है और कार्यकर्ताओं का समर्पण सराहनीय है। मुंडारा से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।